हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. ओके, आज हम पढ़ते हैं आपकी हिंदी सुलेख लेखन. ओके, चलिए हम पढ़ते हैं इसे. पढ़िए और बोलकर लिखिए. ओके, सुनाओ. यस, ये क्लास वर्क आपका है. ओके, यस, पढ़िए और बोलकर लिखिए. चलिए हम इसे पढ़ते हैं और फिर लिखेंगे. सरस्वती विद्या की देवी है. कौन है विद्या की देवी? सरस्वती है ना. सरस्वती माता जो है वह विद्या की देवी हैं. हम उनकी प्रेयर करते हैं ना. यस, चलिए हम इसे लिखना स्टार्ट करते हैं. ओके, लिखिए, बोल बोल कर लिखिएगा. ओके, स र अध श व तम है बड़ी की मात्रा. सरस्वती विद्या विद्या की कामे बड़ी की देवी दामे एक ही मात्रा वह में बड़ी की देवी है. ओके, सरस्वती विद्या की देवी है. नेक्स्ट लाइन देखिए, फिर से लिखिए, ऐसे ही सुंदर राइटिंग में लिखिएगा. ओके, सरस्वती विद्या की देवी है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, फिर से लिखिए. सरस्वती विद्या की देवी है. ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर से लिखिए. सरस्वती विद्या की देवी है. ओके, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस. विद्या सब धनों से श्रेष्ठ है. मतलब विद्या जो है ना, जो हम पढ़ते हैं, ज्ञान है जो, वह क्या है? सभी धनों से श्रेष्ठ है. क्योंकि धन को तो कोई भी चुरा सकता है, हम किसी को दे सकते हैं, परंतु जो ज्ञान है, विद्या है, वह हम किसी को नहीं दे सकते, कोई हमसे बांट नहीं सकता. इसलिए विद्या को क्या कहा गया है? सभी धनों से श्रेष्ठ माना गया है. ओके, चलिए लिखते हैं हम इसे. विद्या सब धनों से श्रेष्ठ है. ओके, नेक्स्ट लाइन लिखिए, फिर से बोल बोल कर. विद्या सब धनों से श्रेष्ठ है. ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, फिर से. विद्या सब धनों से श्रेष्ठ है. ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क. नेक्स्ट पेज में देखिए आप, इसी के बाद वाले पेज में, ये आपको होमवर्क में करना है. ओके, आप इसे भी अच्छे से बोलकर लिखिएगा. जैसे दिया है, देखिए मैं एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ. विद्या से विनय, विद्या विनय से योग्यता मिलती है ना. विद्या से विनय, विनय मीन्स नम्र, है ना, और नम्र से ही योग्यता मिलती है. नेक्स्ट है, निरंतर अभ्यास से विद्या प्राप्त होती है. यदि हम निरंतर लगातार
कोई भी चीजों के लिए हम प्रयास करते हैं तो वो हमें जरूर प्राप्त होती है। इसी प्रकार विद्या भी निरंतर अभ्यास करने से प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इनको, इन सेंटेंस को अच्छे से सुंदर राइटिंग में बोल बोल कर लिखिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।